उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौन उपवास रखकर सरकार पर निशाना साधा है। फेसबुक पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि मेरा यह मौन उपवास उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा सताए जा रही लोगों के प्रति है। उन्होंने कहा कि एक तरफ उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन प्रदेश में निरंतर बिजली की दरों में वृद्धि कर जनता पर बोझ डाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार क्षेत्र में बिजली की निरंतर कटौती कर रही है, जिससे कि किसान बेहद परेशान हैं। वहीं इस पर बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने हरीश रावत के मौन व्रत पर तंज कसा है और उन्होंने कहा कि हरीश रावत की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हरीश रावत कई दफा संन्यास लेने की बात कह चुके हैं, लेकिन उन्होंने आज तक संन्यास नहीं लिया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हरीश रावत जी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि कथनी और करनी में इनके बहुत डिफरेंस है। इससे पहले वो एक बार कहे थे कि मैं संन्यास लूंगा, लिए नहीं, मुंह की खाई। अब दोबारा ये जगह जगह थोड़ा सा चार कदम पैदल चलने का नाटक करते हैं, कभी ये मौन व्रत धारण कर लेते हैं। मैं इनको ये कहना चाहूंगी कि मौन व्रत धारण करने से अच्छा है कुछ बोले और अच्छा बोले। अपने अनुयायी जो इनके नेतागण हैं उनको समझाएं, इनकी ही बात समझ में आएगी और शायद सारे इनके नेतागणों को सद्बुद्धि आएगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ ये अभी कभी तो ये उत्तराखंड में कहते हैं कि सब जगह पे भ्रष्टाचार है, ये है, वो है, सब लोग त्रस्त हैं, सारी उत्तराखंड की जनता त्रस्त है।